हर लड़के को ये बात पता होनी चाहिए और हर लड़की को भी ये बात पता होनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे माता पिता को भी ये बात हमको समय रहते समझानी चाहिए। लेकिन यदि हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो आने वाली जिंदगी हमारी आसान हो जाती है। हम इसी पर चर्चा करेंगे, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिलें। तो एक लड़के को ये पता होना चाहिए कि जब उसकी शादी होगी तो उसे एक लाइफ पार्टनर मिलने वाली है, ना कि कोई काम करने वाली। इसलिए अपने लड़के को हमेशा घर के काम करना सिखाइए। उसे ये बताइए कि आपको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, ना कि एक काम करने वाली की। क्योंकि जब शादी होती है तो इस बात को भी दिमाग में रखा जाता है कि घर के काम लड़की को अच्छी तरह से आते हैं या नहीं। ये चीजें कम रखी जाती हैं कि हमारा सामने वाले के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा या नहीं, हमारी और इसकी सोच एक जैसी है या नहीं। इन सब चीजों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ज्यादा प्राथमिकता इस बात को दी जाती है कि लड़की घरेलू है या नहीं, घर के काम अच्छी तरह से कर पाएगी या नहीं। ये नहीं कहा जाता है कि ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिमाग में रखने वाली बात है वो ये है कि हमारा लाइफ पार्टनर हमको मिले, ना कि हमको घर के काम करने वाला, कि हमारा झाड़ू पोछा अच्छे से कर पाएगी या नहीं। ऐसी सोच लेकर के यदि आप शादी करेंगे तो कभी आप खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने लड़के को घर के काम करने भी सिखाइए ताकि वो लाइफ पार्टनर ढूंढे, काम करने वाली नहीं। इसी तरह से अपनी लड़की को भी पैसे कमाना सिखाइए, वो जॉब करे। उसे बताइए उसे एक लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, ना कि कोई मास्टर या जो उसका मालिक बने। क्योंकि जो कमाता है उसका मालिकाना हक होता है, हर चीज पर होता है। तो वो अपनी बेटी को, एक लड़की को ये पता होना चाहिए कि उसे कमाना चाहिए। अपनी लड़की को ये जरूर सिखाइए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, ताकि उसे एक लाइफ पार्टनर मिले, ना कि उस पर कोई हुकूमत चलाने वाला मिले। लड़कियों को भी ये रहता है कि हमारे खर्चे कोई उठा लेगा और हमको कमाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लाइफ पार्टनर की जरूरत है, खर्चे उठाने वाले की नहीं। आप ऐसे इंसान से शादी करिए जिससे आपके विचारों का तालमेल बैठता हो, जो आपको समझता हो। पैसे को मत देखिए कि हमारा खर्च, आप अपना खर्च खुद उठाइए। और जब ये चीजें नहीं होती ना लाइफ में, जब ढंग का पार्टनर नहीं मिलता है, फिर लोग रोते रहते हैं कि हमारी पट नहीं रही है, हमारे साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। एक लाइफ है उसको आप खराब कर लेते हो केवल यही करने में कि लड़के को एक घर के काम करने वाली चाहिए और लड़की को एक कमाने वाला, अच्छा कमाने वाला पति चाहिए। आप खुद कमाइए, लड़की खुद कमाए और लड़के को भी घर के काम का जाए। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस लड़की को वो पसंद कर रहा है, अगर उसे घर के काम नहीं आ रहे हैं तो उसे शादी नहीं कर सकता है। इसी तरह अगर कोई कम कमा रहा है तो लड़की उससे शादी इस वजह से नहीं कर सकती है क्योंकि वो खुद कमा नहीं रही है और एक आदमी की अर्निंग बहुत कम है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप खुद, लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने खर्चे खुद उठाने लायक हो, और लड़का जो है उसे घर के काम का जाए। वो इस बात को प्राथमिकता दे, एक लड़का और एक लड़की, कि उसे लाइफ पार्टनर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लाइफ पार्टनर। बाकी की चीजें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। इसलिए शादी के समय अपने लाइफ पार्टनर को महत्व दीजिए, जिसे आप पसंद करते हैं, जो आपके लायक है, ऐसे इंसान से शादी करिए। तो आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। छोटी मोटी तो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन बड़ी कोई ऐसा इशू कभी भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा परेशानियां जीवन में आ रही हैं और इसे निभाना मुश्किल हो रहा, ऐसा नहीं होगा। अपनी पसंद के, हम जिसे चाहते हैं
उससे शादी करेंगे तो ही सारी चीजें ठीक रहेंगी, अदरवाइज नहीं है। इसलिए अपने आपको जो पसंद आ रहा है, आप जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं वैसा चुनिए, ना कि काम करने वाली लड़की और कमाने वाले लड़के को प्राथमिकता दीजिए, एक अच्छे इंसान को प्राथमिकता दीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।